हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ मेल्पी बॉय। आज हम आए हैं बहुत दूर बहुत दूर अपने घर से। ठीक है, एक नाम है क्या है, सबर्ब ही है, वेरी फार फ्रॉम द सिटी। एंड जहाँ से मैं रहता हूँ वहाँ से तो एकदम ही अलग है। ठीक है, और यहाँ पर ड्राइव थ्रू वो भी है यहाँ पर। ठीक है, वाटरलो जिन्हें बोलते हैं। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया में हर जगह है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आया हूँ अपना इंडियन लाइसेंस वेरिफिकेशन करवाने, क्योंकि मेरे को 6 महीने ऑलमोस्ट हो जाएंगे मई में, तो मेरे को वो 6 मंथ्स में मेरे को कन्वर्ट करवाना ही पड़ता है। और मैंने लर्नर्स दिया था तो मेरे को डेट्स नहीं मिल रही थी अपने इंडियन लाइसेंस वेरीफाई करवाने के लिए, तो मेरे को $20 देना पड़ा था। ठीक है, टू गेट इट वेरीफाइड। उसमें क्या होगा, मेरा आई टेस्टिंग भी होगा, और इसमें मेरे को अपना रेंटल एग्रीमेंट लाना था कि मैं कहाँ पर रह रहा हूँ, और पासपोर्ट लाना था, और मेरा इंडियन लाइसेंस लाना था। ठीक है, क्योंकि इंडियन लाइसेंस मेरा 3-4 साल पुराना है, तो मेरे को बस लर्नर्स देना है, फिर हज़ार देना है, और फिर मैं परमानेंट बनवा सकता हूँ। और जिनको 3 साल नहीं हुआ, जैसे मेरे फ्रेंड को नहीं हुआ 3 साल, ठीक है, तो उन्हें अभी वेरिफिकेशन करवानी थी इंडियन लाइसेंस की, और उसके बाद वो पी प्लेट पाएंगे। तो यहाँ पर 2 प्लेट होती है, एक पी ग्रीन होती है, एक पी रेड होती है। ठीक है, तो वो दो तीन तीन साल चलती है वो मेरे। हाँ, तो मैं फिर से वीडियो एडिट कर रहा था, तो मैंने बस अभी देखा है कि P1 जो रेड होती है, आपको पहले रेड प्लेट मिलती है, ठीक है, दैट इज़ फॉर 12 मंथ्स। ठीक है, उसके बाद आपको ग्रीन पी प्लेट मिलती है, ठीक है, दैट इज़ फॉर 3 ईयर्स। ठीक है, तो आपका 4 साल लग ही जाता है, ठीक है, टू गेट अ फुल लाइसेंस इन ऑस्ट्रेलिया। सो इट्स दैट स्ट्रिक्ट, नॉट ऑस्ट्रेलिया, बट मैं विक्टोरिया की बात कर रहा हूँ बिकॉज आई एम इन विक्टोरिया। सो यस, पता नहीं, मैं अपने फ्रेंड से पूछूंगा, मतलब चलती है, मतलब मैंने पढ़ा नहीं उसके बारे में, क्योंकि मेरे को वो चाहिए ही नहीं था। ठीक है, तो मेरे को सीधा वेरिफिकेशन करवाने के बाद मेरे को 1000 टेस्ट देना है। 1000 टेस्ट में फर्स्ट ट्रायल फ्री होगा, और अगर नहीं क्लियर करता तो मेरे को अगर वो फिर से ट्रायल देना तो वो $20 देने पड़ेंगे मेरे को एक्स्ट्रा। आज भी मैंने $20 दिए हैं वेरिफिकेशन के लिए। तो चलते हैं, मैं पहुंच तो गया था, मैंने ब्लॉग नहीं किया था क्योंकि बहुत असाइनमेंट चल रहे हैं और बहुत सब कुछ हो रहा है यार मेरी ज़िंदगी में, मेरे लग रखे हैं फ़िलहाल तो। ठीक है, हर ज़िंदगी हर के लग रखे हैं, बट ठीक है, सबका दुख अलग अलग। बट या वेरी भी में बहुत सारे इंडियंस लोग रहते हैं। ठीक है, तो जैसे ही मैं स्टेशन से बाहर निकला, देर वॉज वन पंजाब स्पाइसेस एंड स्टाफ, एंड यहाँ पर बहुत सारे इंडियन फूड ट्रक्स भी खड़े होते हैं। जैसे गुड़गांव में देर इज़ अ कॉन्सेप्ट वेयर देर इज़ अ लॉट ऑफ फूड ट्रक्स टुगेदर एंड यू कैन हैव एनीथिंग फ्रॉम एनीवेयर। तो इट्स द सेम कॉन्सेप्ट ओवर हियर, बट मैं बहुत पहली बार आ रहा हूँ एंड आई एम नॉट ऑन एनी व्हीकल, सो आई वोंट बी एबल टू एक्सप्लोर ओवर हियर। बट देन जो भी है, ये छोटी सी मार्केट है जैसे हर सबर्ब में होती है। ठीक है, और अभी 2:55 बज रहे हैं, मेरी 3:15 की है अपॉइंटमेंट। और यहाँ पर फिश एंड चिप्स बहुत फेमस है, आपको हर जगह मिल जाएंगे फिश एंड चिप्स एंड लिटिल चीप। बट मैंने यहाँ पर नोटिस किया, आप जितना दूर जाओगे ना सिटी से, वो ऑफकोर्स होता ही है, आपको ग्रोसरीज बहुत सस्ती मिलने लगेंगी। ऑफकोर्स विक्टोरिया मार्केट में सस्ती मिलेंगी। ठीक है, बट जितना आप दूर जाते जाओगे ना सबर्ब से बोलो सिटी से, मेरा माइंड पता नहीं क्या हो रहा है। बस मैं थोड़ा सा टेंट लूँ, क्योंकि एक मेरे साथ भसड़ हो गई थी यहाँ पर, अब मैं बाद में बताऊँगा। ठीक है, अब वो स्कैम बोलूँ या सही में कुछ हुआ था बट पता नहीं, चलो जैसा भी है थोड़ा सा ये देख लो भाई, एकदम खूबसूरत तो है, सरवना भवन भी है। देखा, जैसे मैंने आपको बोला ये इंडियन इलाका है, ये रहा सरवना भवन, बट क्या लाइटिंग आ रही है, ओए होए होए, एक शॉट लेता हूँ मैं अभी। और हाँ, मैंने पता नहीं कब का दे रखा है लाइसेंस, लर्नर्स दिया था मैंने। ठीक है, लर्नर्स में भी आपको टेस्ट वेस्ट पास करना होता है, उसमें बेसिकली रूल पता लग जाएंगे आपको, बट उसके बाद मेरे को वही नहीं मिला। एक तो टाइम की किल्लत होती है यहाँ पर, बिकॉज यू आर स्टक इन दैट लूप, जॉब जाओ, जॉब से यूनिवर्सिटी जाओ, यूनिवर्सिटी से असाइनमेंट करो, सो इट्स अ बिग लूप। ठीक है, वो चीज़ में तुम फंस जाते ना तो तुम्हें इन एरो गेरो का टाइम नहीं मिलता। तो अब 6 महीने आने वाले हैं, तो मेरे को लगा यार बनवा ही लेते हैं। और फिर जब मैंने देखा कि डेट्स मिल जाती है, तो डेट्स नहीं दी, तो आई हैड टू कम 1-1.5 आवर
away from my place and I have missed my class today for this class for this काम, ठीक है? और ये एक और गजल, इंडियन बुफे एंड बार, भाई बहुत सही, वेरी भी इंडियन, अगर आपको देश छोड़ के भी देश में रहना है तो कम टू वेरी भी, ठीक है? हमें तो यूनिवर्सिटी के चक्कर में रहना पड़ता है वहाँ पर आसपास, वैसे भी हम वहीं आसपास ही रहते हैं, बट चलो ठीक है। बस इट्स नॉट दैट फार फ्रॉम कार, 30-40 मिनट्स का रास्ता होगा, ठीक है? बट यहाँ पर आपको घर अगर आपको लेना है तो पहले घर लोग यहाँ पर खरीदते थे, अभी भी खरीदते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा दूर है तो आपको सस्ते में मिल जाता है, बट यहाँ पर भी सब कुछ है जो पूरे मेलबर्न या पूरे विक्टोरिया पूरे ऑस्ट्रेलिया में है, अमेरिका है, ये सब कुछ, क्योंकि लोगों को सीधा ऑल द वे सिटी में जाना पड़ेगा, तो ये भी मिनी सिटी बोल सकते हैं आप। बट देन यस, नैंडोज भी है, देखो मेरे हाथ में क्यों दर्द हो रहा है आज, बहुत टाइम से पहले हैं, अभी कितने 3:15 की है, मेरे 3 बजे आ गए, और मेरे साथ बहुत बड़ा वाला कटा है, बट ठीक है, अब कट गया तो कट गया भाई, कटवाए जा रहे हैं, बट अभी आई हैव टू फाइंड दी विक रोड सेंटर, अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखो नैंडोज भी है मेरे पीछे, अगर आपको दिख रहा होगा, नैंडोज बहुत बड़ी ब्रांच है, लाइक यहाँ पर भी है, तो फिर मस्त जगह है ये, एकदम अप्रूव्ड फ्रॉम माई साइड। चलो देखते हैं कहाँ है विक्टोरिया का ऑफिस, कहाँ है विक्टोरिया का ऑफिस, दिखा तो ही रहा है, पता नहीं, ये तो नैंडोज आ गया, लेट मी चेक द सैल्वेशन आर्मी, आई गेस और आगे जाना पड़ेगा, बट यार ये देखो कितना खूबसूरत है, साफ हवा और गैस भी क्लाउड्स, आज पूरे दिन सुबह से बारिश हो रही थी, ठीक है, और आज ये अब धूप निकल गई, सुबह इट वॉज अराउंड 8-9 डिग्रीज एंड नाउ इट्स सनी, इट्स स्टिल विंडी बट देन इट्स नॉट दैट कोल्ड, आई थिंक आई रीच्ड, बट लेट्स सी क्या ये सैल्वेशन आर्मी क्यों जाना है फिर, अच्छा ये रहा, मिल गया। यहाँ पर एक तो अच्छी बात है कि गूगल पे सब कुछ बढ़िया, लाइक एग्जैक्ट लोकेशन इधर उधर नहीं होती, बट क्या, और यहाँ पर ना ये सैल्वेशन आर्मी है ना, तो लाइक बेसिकली मैं कैसे बताऊँ, समझ जाओ, बहुत लंबा जाना पड़ेगा, बट किसी दिन आराम से जाएंगे। मैं आगे आ गया था, पता नहीं मैं बातें करते करते आगे आ गया था, बट क्या, जहाँ मैं नैंडोज दिखा रहा था वही था, अबे यार दिमाग फिर कट गया मेरा, चलो ठीक है कोई नहीं, अब इसलिए ना मेरे को जल्दी आना पसंद है क्योंकि कल मेरा बहुत ज़्यादा कटा है, मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ है कल मेरे साथ, कल मेरा शूट था 7 बजे वेरी वी में, ठीक है, 2 घंटे है दूर, ठीक है, अभी मैं अंदर जाके बताता हूँ आपको, तो भाई फोटोग्राफी नॉट अलाउड, सॉरी, मेरी वेरिफिकेशन हो गई है, अभी आपको बताता हूँ, मैं बता रहा था ना सब्जियाँ सस्ती है, तो देखो ये $1 का पूरा बैग, और दिस इज़ अडल्टिंग बॉयज, दिस इज़ अडल्टिंग, कि आपको याद आता है कि घर पे ये पड़ा है, नहीं पड़ा, नहीं पड़ा होता तो आप लेके जाते हो, अभी तो लाइक लाइक आ रहे हैं, बट चलो कोई नहीं, ठीक है, दिस इज़ दी वेरी वी स्टेशन, और ये देखो निकलते साथ ही पंजाब फूड एंड स्पाइस, मैं आपको बता देता हूँ मेरे साथ क्या क्या हुआ है, मेरी मार ली गई है मेरे फ्रेंड से कुछ नहीं पूछा, और मेरी लेनी देनी कर दी, मेरे फ्रेंड को मैंने अभी कॉल किया, बोलती क्या बोलते हैं, हाँ मैंने उससे पूछा कि क्या क्या ले जाना, बोलते एक पासपोर्ट ले जा और एक अपना इंडियन लाइसेंस ले जा, मैंने बोला ठीक है, अब मैं आया, इसने बोला रेंट बॉन्ड दो, ये दो, उसने मेरी डीकन की आईडी तक मांग ली, बोलती ये भी दे दे, तू ये भी दे दे, वो भी दे दे, 4-5 डॉक्यूमेंट्स मांग लिए, तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे, बस मैं तो आपने देख ही लिया है कि भाई प्याज टमाटर सब कुछ ध्यान रखना पड़ता है कि है या नहीं, बढ़िया, और लेट्स गो माइक, फिश एंड चिप्स इतने फेमस होते हैं कि हर जगह मिलते हैं, देखो फिश एंड चिप्स यहाँ भी लग रखे हैं। मैं अंदर गया, उन्होंने बोला कि मेल आईडी बताओ जिससे आपने टेस्ट दिया था, मेल आईडी मैंने लिख के दी, बोलती अच्छा ठीक है, पता है मेरे साथ दिक्कत क्या हुआ था कि मैंने घर चेंज किया है, तो मैंने घर का एड्रेस चेंज नहीं किया विक्टोरिया खोल के, क्योंकि मेरे को याद ही नहीं था, याद क्या मतलब मेरे को लगा था कि हो जाएगा, बट इसमें एड्रेस प्रूफ भी चाहिए था, ठीक है, तो मैं अंदर गया, दीदी ने बोला आईडी ईमेल बताओ जिससे आपने टेस्ट दिया, वो मिली नहीं दीदी को, दीदी बोलती अपनी मेल खोलो, अब
मैं घबरा गया, मैं भाई क्या हो गया एकदम से। ठीक है, मेल खोला तो फिर उसे बारकोड दिखाया। बारकोड के बाद उसने बोला कि आपका रेंट एग्रीमेंट है आपके पास? बोलती व्हाट ऑल आईडीज डू यू हैव? सो मैंने उसे बोला कि भाई मेरे पास ये है ये है ये है ये है ये, मैं आपको बता देता हूँ। तो उन्होंने मेरे से मांगा, मेरी कॉलेज आईडी मांगी, मेरा लाइसेंस मांगा, मेरा पासपोर्ट मांगा, मेरा रेंट एग्रीमेंट मांगा, मेरी बैंक स्टेटमेंट मांगी। तो आप अगर वेरिफिकेशन करवाने आ रहे हो तो ये पांच रखना ही रखना। मेरे पास सब कुछ था, मैं प्रिपेयर था। ठीक है, क्योंकि जब भी मैं कहीं, मेरी पहले से आदत है मैं कहीं भी काम के लिए जाता हूँ तो मैं सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाता हूँ। ठीक है, ताकि जो मांगे सब कुछ होना चाहिए। ठीक है, ये ना हो कि आपके पास वो है ही नहीं। और तो मेरे पास हार्ड फॉर्म में नहीं था क्योंकि यहाँ पर प्रिंट बहुत महंगे होते हैं, $1 के होते हैं, नॉट वर्थ इट। ठीक है, तो वही मैं बता रहा हूँ कि अगर आप आ रहे हो तो सारे डॉक्यूमेंट्स ले आना जो जो मैंने आपको बताया है, क्योंकि अगर आप एक भी नहीं लाया होगा या नहीं घूम गया होगा तो वो दिक्कत होगी और वो आपका वेरिफिकेशन नहीं होगा। वेरिफिकेशन के बाद दीदी ने बोला, इट्स जस्ट बीन 5 months आई हैव बीन हियर। ठीक है, तो वेरिफिकेशन के बाद दीदी ने बोला कि भाई मैंने उनसे पूछा कि मेरे को देखो यार, एक ना आईडी के लिए, एक लोकल आईडी के लिए, ठीक है, अपना मेडिकेयर कार्ड भी रख लेना, मैं वो बताना भूल गया। हाँ, तो बेसिकली मेरे को लाइसेंस इसलिए चाहिए क्योंकि मेरे पास एक लोकल आईडी हो, मेरे पास लोकल आईडी नहीं है अभी तक। ठीक है, तो मैं इंडियन लाइसेंस यहाँ पर हर कोई मांगता नहीं है। ठीक है, मतलब मानता नहीं है, मांगते तो हर कोई है बट मानता नहीं है। अगर आप क्लब की एंट्री के लिए विक्टोरियन लाइसेंस दिखा दोगे ना तो सब चल जाएगा। ठीक है, तो मेरे को एक आईडी चाहिए। तो मैंने दीदी से पूछा कि मेरे को लर्नर्स हार्ड कॉपी इश्यू हो जाएगी? दीदी बोलती है अगर आपको मैं वो कर दूंगी ना तो आपका इंडियन लाइसेंस अनवैलिड हो जाएगा। तो फिर लर्नर्स के यहाँ पर अगर मैं लर्नर्स पे चलाऊँगा ना तो बहुत अलग अलग रूल्स होते हैं कि मेरे को एल स्टिकर लगाना ही पड़ेगा अपनी गाड़ी पे और मेरे को एक बंदा बिठाना पड़ेगा जिसके पास फुल लाइसेंस है। तो इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस कि अगर मैं इशू करवा लेता लर्नर्स लाइसेंस तो मेरा वो इंडियन वैलिड एकदम नलीफाई हो जाता और मेरे को विक्टोरियन के हिसाब से चलाना पड़ता। तो मैं वो नहीं चाहता था क्योंकि मेरे पास एक और एक महीना है जिस पे मैं चला सकता हूँ। तो मैंने बोला वाई नॉट, उस पे चलाया जाए। ठीक है, तब तक मैं हजार दे के सब कुछ कर लूँगा, बाकी तो चल सही है। थैंक यू। आई वॉज स्टिल डिसाइडिंग आई हैड टू क्रॉस द रोड और नॉट, बट यस, तुम्हारे भाई की रील 5 फेमस हो गई है, जाके देख लो, मजे आ रहे हैं, अटेंशन मिल रही है। अजीब लगता है ना इतना कि लोग इतना लाइक कर रहे हैं ये वो, मेरे को तो बहुत बौखला जाता हूँ मैं भाई, ये क्या हो गया एकदम से। चलो ठीक है, ओके। और आई विल सजेस्ट ये जो भी लोग इंडिया से आ रहे हैं, ठीक है, वो जैसे ही अपना लर्नर्स क्लियर करते हैं अपनी डेट्स ले लो, क्योंकि डेट्स यहाँ पर बहुत मुश्किल से मिलती है, एक एक दो दो महीने बाद मिलती है, तो वो डिले होता जाएगा। तो अगर आप वो कर लोगे तो सही हो जाएगा। अब मेरे को पता नहीं लोग इतने ऐसे बुरी नज़र से क्यों देखते हैं अगर मैं ऐसे बात करता रहता हूँ, मेरे को खुद नहीं पता। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। मेरी फ्लैटमेट आ गई है, अब दिमाग आएगी मेरा, बट येस प्लीज़ डू सब्सक्राइब। और कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना प्लीज़। और रील वायरल हुई है प्लीज़ जाके देखो प्लीज़।